प्रणधार सुंदर साथ जी। रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में आच्छादित ने माया से हमें पार कैसे होना है और ये माया की शक्ति क्या है इसके बारे में दर्शाया है। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वे कह रहे हैं, ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी तक मुनि चन्नी मनाव्याहार शिव ब्रह्मादिक न लहे पार। प्रश्न यह है, रास क्या है और माया क्या है? सामान्य रूप से समझिए तो माया का तात्पर्य है हमारे और धनी के बीच में जो तीसरा पदार्थ कोई आ जाए तो वह माया है। सामान्य रूप से लोग यही समझते हैं कि हमने घर द्वार छोड़ दिया तो माया से परे हो गए, उन्होंने लोहे की सांकल को तोड़ा है, सोने की जंजीर को नहीं। गृह का त्याग करने वाला ये सोचता है कि यदि हमने माया को छोड़ दिया तो उसने इस जन्म में माया के बाह्य आवरण को छोड़ा है। उसके जन्म के जो संस्कार हैं चित्त में बसे हुए हैं, जिसमें उसने लाखों करोड़ों जन्मों में काम क्रोध मद लोभ अहंकार का सेवन किया है, वो संस्कार तो उसके साथ साथ चल ही रहे हैं। उसने बाह्य संसार से नाता तोड़ा है, आंतरिक संसार से नहीं, क्योंकि आंतरिक संसार उसके साथ चित्त में बसा हुआ है, जिसमें लाखों जन्मों में वो घर में रहा है, विषय भोग का सेवन किया है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि में स्वयं को जलाया है। ऐसी स्थिति में वो कैसे कह सकता है कि मैंने माया को पूर्णतया छोड़ दिया? इस प्रकरण में अक्षर की पंचवासनाओं का वर्णन आता है। पहले कह देते हैं, मुनिजन ने मना विहार शिव ब्रह्मादिक न लहे पार। मुनिजन मुनि किसको कहते हैं? जो धर्म और परम तत्व का चिंतन करता है। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है, इसको गहन वन में एकांत में बैठकर अंतरात्मा की गहराइयों में जो खोजने का प्रयास करता है वो मुनि कहलाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि वो है जो समाधि अवस्था में वेद मंत्रों का साक्षात्कार करता हो, जिसने अंग उपांग सहित वेद का अध्ययन किया हो। जिन मुनियों ने वृक्षों की छाया के नीचे या अपनी कुटियाओं में जीवन का अधिकांश समय ध्यान समाधियों में बिता दिया, वे भी इससे हार गए। इनमें सर्वोपरि शंकर जी और ब्रह्मा आदि है। आपको विदित हो कि शिव जी सृष्टि के प्रारंभिक काल के योगी हैं, ब्रह्मा जी संकल्पिक सृष्टि के पहले व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने चारों ऋषियों से एक एक वेद का ज्ञान अर्जन किया और संसार में उस वेद ज्ञान को फैलाया। सारा जीवन उनका वेद के ज्ञान को ग्रहण करने में और उसको प्रसारित करने में लगा। शिव और ब्रह्मा आदि भी यदि इस माया से हार जाते हैं, माया से पार नहीं हो पाते हैं, सुख संकादिक ने नौ टली लक्ष्मी नारायण ने फरी वाली। आगे सुखदेव और संकादिक का नाम आता है, लक्ष्मी और नारायण का भी नाम आता है। प्रश्न यह है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या करे, सुखदेव जी की विशेषता क्या है? वो इतने हृदय के निर्मल है कि यह भी पता नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। काम विकार से पूर्णतया रहित है, क्रोध छूने गया है, लोभ छूने गया है, मोह छूने गया है, फिर भी माया कहीं ना कहीं उनका पीछा कर लेती है। माया का तात्पर्य क्या है? हम परब्रह्म की खोज में निकले हैं तो कोई भी वस्तु हमें मोह में थोड़े समय के लिए विचलित कर दे। सामान्य व्यक्ति तो माया में कंठ तक डूबा ही रहता है, सिर से ऊपर तक माया उसके लगी रहती है, किंतु अक्षर की पंचवासना यदि किसी वस्तु आकर्षित हो जाए तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर साथ के लिए परीक्षा की घड़ी है कि हमको तो राज से कहमत नमत तक की वाणी देकर के सावचेत कर दिया गया है, किंतु हम सुखदेव के बराबर निर्विकार नहीं हो पाए। सनकादिक ब्रह्मा जी के ये चारों मानसिक पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन
और सनत कुमार, जो ऐसा माना जाता है कि 5 वर्ष की ही अवस्था से घर छोड़कर चल देते हैं परमात्मा की खोज में। ब्रह्मा जी कितना भी कहते हैं कि पुत्रों अभी सृष्टि की वृद्धि करनी है, तुम गृहस्थ जीवन ग्रहण करो, तो कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी यह आज्ञा नहीं मानी है और सारी बातें मानेंगे। आप सोचिए, यदि किसी के घर का कोई बालक संन्यास जीवन में प्रवेश करता है तो उसके माता पिता को बहुत दुख होता है। ऋषि दयानंद के संन्यास लेने के पश्चात तो उनके माता पिता ने उनकी याद में तड़पते तड़पते शरीर छोड़ दिया था। आप सोचिए, पिता कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ बनो, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमें संन्यास लेना है। ऐसे सनकादिक जो योगेश्वर कहलाते हैं, रामायण में कथा आती है, पौराणिक ग्रंथों से वह कथा ली गई है, और पुराणों में देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं जिसके चरित्र पर लांछन न लगा हो। चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव हो, सनकादिक हो, इंद्र हो, हर व्यक्ति को उन्होंने लांछित किया है। इसका कारण यह है कि 18 पुराणों को रचने वाले कोई वेदव्यास जी नहीं है। सत्यवती पुत्र वेदव्यास की रचना यह 18 पुराण नहीं है, अपितु अपने अपने मत के पोषण के लिए यह 18 पुराण रचे गए हैं। लिंग पुराण और शिव पुराण में विष्णु की अत्यधिक निंदा की गई है। शिव और इसी प्रकार विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में शिव की निंदा की गई है, जबकि देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की निंदा की गई है। इसका कारण क्या है? अपने अपने मत के समर्थन में सभी पुराण लिखे गए हैं, और लिखने वालों की जैसी दृष्टि थी उसी के अनुसार उन्होंने अपनी मानसिकता को ग्रंथों में चित्रित किया है। उदाहरण के लिए यदि गौतम और अहिल्या का प्रसंग लिया जाए तो कल कथा ही छुट्टी है। वो गौतम नहीं है, गौतम है। गौतम का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। शीघ्रता से जो गमन करते हैं उसको कहते हैं चंद्रमा। सूर्य को इंद्र कहते हैं, रात्रि को अहिल्या कहते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि रूपी अहिल्या का जो प्रेमी गौतम है, चंद्रमा है, वो छिप जाता है। यह ऋग्वेद में अलंकारिक रूप से वर्णन किया है, लेकिन पौराणिकों को जब इन मंत्रों का अर्थ नहीं समझ में आया तो गौतम, अहिल्या और इंद्र शब्द ले लिया, एक मनगढ़ंत कहानी जोड़ ली कि इंद्र तो गौतम का रूप धारण करके छल के साथ अहिल्या का सतीत्व भंग करते हैं। प्रश्न यह है कि कुछ लोगों की नादानी के कारण बड़े बड़े ऋषियों पर और महान पुरुषों पर, जिनको आज की भाषा में देवता कहा जाता है, देवता वह जिसमें दिव्य गुण हो, उनके चरित्र पर लांछन लग गया जो उचित नहीं है। फिर भी जो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं उसमें एक छोटा सा दृष्टांत दिया जाता है कि जब सनकादिक बैकुंठ में जाते हैं, विष्णु भगवान से मिलना चाहते हैं, जय और विजय उनका रास्ता रोकते हैं, तो वो श्राप दे देते हैं, अर्थात तो उनको क्रोध आ जाता है। इस क्रोध आने को यह नया दर्शाया गया है कि उनको भी माया परेशान कर देती है। क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ सत्व, रज और तम से बना हुआ है। कोई पदार्थ पूर्णतया सतोगुणी नहीं हो सकता, कोई पूर्णतया रजोगुणी नहीं हो सकता, कोई पूर्णतया तमोगुणी नहीं हो सकता। हर पदार्थ में ये तीनों कम या अधिक मात्रा में मिले होते हैं। यदि सनकादिक जैसे योगेश्वर अल्प मात्रा में किसी की अशिष्टता पर क्रोध कर देते हैं तो उनके ऊपर ये लांछन लगाने का अवसर पौराणिकों को मिल जाता है। इसका आशय यह है कि सामान्य व्यक्ति तो प्रतिदिन क्रोध करता है, लेकिन सनकादिक जैसा योगेश्वर यदि क्रोध करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि माया उनको भी परेशान कर दे रही है। सुखदेव जी देखा जाए तो भौतिक ऐश्वर्य से बिल्कुल दूर हैं, उन्हें काम विकार छू तक नहीं गया है, लोभ मोह अहंकार कुछ नहीं है, फिर भी अपने कद्दू के कमंडल पर उनको आसक्ति आ जाती है। जब अपने योग ऐश्वर्य से जनक अपनी पहचान देने के लिए राजमहल में आग लगा देते हैं, राजमहल जब जलने लगता है तो सुखदेव उसकी रक्षा के लिए भागते हैं। हंसते हुए जनक कहते हैं कि सुखदेव चिंता न करो, तुम्हारा कमंडल सुरक्षित है। यहाँ दर्शाया गया है कि सुखदेव को एक कमंडल ने मोहित कर लिया,
अर्थात माया उनके पीछे भी लग गई। माया का तात्पर्य स्त्री का मोह, धन संपदा का मोह, प्रतिष्ठा का मोह ही केवल माया नहीं है। हमारे अंदर प्रीतम परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी प्रिय हो जाए, प्रिय होने का तात्पर्य मैं किसी आत्म तत्व के लिए नहीं कह रहा हूं, यदि पत्नी के सौंदर्य पर हमें आसक्ति है और उसकी अपेक्षा हम सबको नगण्य समझते हैं तो यह आसक्ति माया है। किंतु यदि हम आत्मोत सभी प्राणियों से प्रेम रखें, आत्मोत सर्वभूतेश्च पश्यति पंडिता, इसका तात्पर्य क्या होता है, हम अपने समान सभी प्राणियों को देखें, आत्मन प्रतिकूलानि परिणाम न समाचारित, हम यह समझें कि सभी प्राणियों में मेरी जैसी ही चेतना है, यदि उनको पीड़ा होती है तो उस पीड़ा का आभास हमें भी होना चाहिए, हम अकेले सुखी हों और दूसरे दुखी हों, ऐसी मानसिकता धर्म की नहीं है। प्रेम और मोह आसक्ति में बहुत अंतर है। आसक्ति रजोगुण से पैदा होती है, मोह तमोगुण से पैदा होता है, सतोगुण से स्नेह होता है, जैसे माँ और पुत्र में स्नेह होता है, गुरु शिष्य में स्नेह होता है, पिता पुत्र में, मित्र मित्र में, भाई बहन में स्नेह का बंधन होता है सतोगुण की अवस्था में। रजोगुण की प्रवृत्ति जब अधिक हो जाती है तो आसक्ति हो जाती है, उनके बिना रहा नहीं जाता, लेकिन किसी कारण से व्यवधान पड़ने पर उनमें विरोध भी पैदा हो जाता है। सतोगुण में विकृति नहीं आती विरोध की, और तमोगुण में मोह से ग्रसित प्राणी इतना पागल हो जाता है कि वो अपने परिवार के अतिरिक्त किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। यदि पड़ोसी में किसी की मृत्यु हो जाए तो अभी घर के दरवाजे बंद कर अपने परिवार के लोगों के साथ खिलखिलाता रहता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसी प्रकार जब प्रेम का रस आता है तो ऐसा लगता है कि सारा संसार ही अपना है, संसार के सभी प्राणी अपने लगते हैं, उनको यह नहीं लगता है कि कौन पराया है, हमें किसके लिए क्या करना है। इसको कहते हैं प्रेम, जो निर्विकार है, जो शरीर से परे है, जो शरीर के बंधन में नहीं आता, क्षेत्र विशेष के बंधन में नहीं आता, जो कुल गोत्र जाति के बंधन में नहीं आता। संसार के सभी प्राणियों की सुखमयी कल्पना करना, सुखमयी भावना करना ही प्रेम है। इसलिए भारतीय मनुष्यों ने कहा है और वेद में इस संबंध में बहुत ऊंची बात कही गई है कि मित्रस्य चक्षुषा अहम् सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्र का पद कितना बड़ा होता है, इसको वेद के एक मंत्र से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि येषाम् इंद्रो युवा सखा, अति सुंदर किशोर स्वरूप वाला परमात्मा जिनका मित्र है। और यही भावना हमें कैसे रखनी है, संसार के सभी प्राणियों के प्रति। मित्र से चक्षुषा अहम् सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं संसार के सभी प्राणियों को, केवल मनुष्य ही नहीं जितने प्राणी हैं, सबके अंदर यदि हम चेतना की दृष्टि से देखते हैं तो सभी में वही चेतना ही तो है, हाथी में, घोड़े में, गाय में, चींटी में। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किसी भी प्राणी को मन से, वाणी से, कर्म से पीड़ा देना नहीं चाहेंगे, और तब हम अध्यात्म के उस शिखर पर पहुँच जाएंगे जिसमें एक तरफ लग गया कि हम उस आनंद के सागर से बिछड़ी हुई आत्मा है और संसार के सभी प्राणी हमारे ही अंगरूप हैं, हम जैसे ही हैं। यदि मनुष्य परमात्मा को खुश करने के नाम पर धर्म की चादर ओढ़ लेता है, पशुओं की बलि देता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, तो धर्म की मर्यादा का कलंकित कर रहा है। वो धर्म की परिभाषा नहीं जानता, उसने तो वेशभूषा को ही, सांप्रदायिक मान्यताओं को ही धर्म मान लिया है। धर्म अनादि है, धर्म अनंत है, धर्म किसी विचारधारा के सिद्धांतों को नहीं कहते हैं। जो परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, वही धर्म है। जो सत्य है वह धर्म है, और जो सत्य है वही परमात्मा है। परमात्मा के ज्ञान के अनुकूल जो परम सत्य है उसको धर्म की संज्ञा दी जाती है। आज सारे संसार में लड़ाई चल रही है कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। सच तो यह है कि वे धर्म के स्वरूप को जानते ही नहीं। महाभारत में डिंडिम घोष के साथ कहा गया है, धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्। गुहा कहते हैं वह स्थान, एकादश द्वार, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। जिसने परमात्मा के साक्षात्कार
की उपलब्धि की है वही दावा कर सकता है कि उसने धर्म के स्वरूप को जाना है। न मुल्ला मौलवी जान सकते हैं, न पंडित पुजारी जान सकते हैं, और न गिरजाघरों में रहने वाले पादरी जान सकते हैं। जब तक उन्हें परम तत्व का बोध नहीं होता, वे धर्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। धर्म शाश्वत सत्य है। अभी प्रसंग चल रहा था कि सुखदेव और सनकादिक को माया ने काफी कुछ पीड़ित कर दिया। प्रश्न यह है कि हम सुंदर साथ किस धरातल पर खड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति सफेद वस्त्र पहना हो, तिल के बराबर भी कोई कालिख लग जाती है तो बार बार दिखती है। सुखदेव और सनकादिक का उज्जवल चरित्र में, जिन्होंने छोटी अवस्था में गृह का त्याग कर दिया है। सुखदेव ने 14 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर ध्यान में लग जाते हैं। आप सोचिए, ऐसे व्यक्ति को यदि एक कमंडल मोहित कर लेता है तो संसार तो प्रश्न खड़ा करेगा ही। चिंतन का विषय है हमारे साथ कि हमको तो राज से लेकर क्यामतनामा तक की वाणी दी गई है। अक्षरातीत ने नक से सिख तक का श्रृंगार दिया है। अब इस राज ग्रंथ में हमें बताया जाना है कि कैसे परम धाम की आत्माएं, जो गोपियों के तनु में थी, प्रीतम से मिलन करती हैं। सामान्य रूप से आप समझ लीजिए, प्रीतम के रस, प्रेम रस में डूबना ही रास है। बाहर रूप से लोग यही समझते हैं कि रास की रामतों को गाना, उसके अनुसार उछलना कूदना, नृत्य का अभिनय करना, तरह तरह की क्रियाएं करना रास है। रास उसको नहीं कहते हैं। यदि आप उन कलाओं का अभिनय करते हैं, नृत्य का, किसी विचित्र प्रकार की रामत का गाते हैं, नाचते हैं, तो अभिनय है। अभिनय और रास में बहुत अंतर होता है। महाराज में जो कुछ रामते की गई वह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम का रस भरा पड़ा है। प्रेम क्या है? प्रेम बसी पिया के चित। प्रीतम के हृदय में प्रेम रहता है और उन्हीं की अर्धांगनी अर्थात सागर की लहर रूप परमधाम की आत्माएं हैं। परमधाम के एकत्व में सबका प्रेम बराबर था। निर्णय नहीं हो सकता था कि कौन किससे प्रेम कर रहा है। और अक्षरातीत के एकत्व का विज्ञान यानी मारिफत, राज्य के हृदय में इश्क की मारिफत का जो स्वरूप कीड़ा कर रहा है, उसको दर्शाने के लिए ब्रजरास और जागनी की लीला बनी है। महारास में ले जाकर परम धाम की आत्माओं के साथ जो प्रेम का सागर उड़ेला अक्षरातीत ने, वही रामतों के रूप में दृष्ट को चर हुआ। उन्होंने किसी से सीखा नहीं कि किस रामत को कैसे करना है। सब कुछ अपने आप होता गया। आज यदि हम उन रामतों को केवल सीख लें और या डिंडिम घोष के साथ कहने लगे कि हम रास करते हैं, तो वो तो कोई भी सीख करके कर लेगा। रास उसको नहीं कहते हैं। रास का अर्थ होता है अपने अहंकार पूर्णतया विसर्जन। श्री महामत के ए मोमिनो, सुनो मेरी वतनी यार, खसम करमे कुर्बानियां, आओ मैं मारे किलार। यदि आपका अहंग समाप्त नहीं हुआ, आपने अपना सर्वस्व प्रीतम को सौंपा नहीं, यदि आपको धनी के अतिरिक्त संसार भी दिख रहा है, आपके हृदय में प्रेम का रस उमड़ा नहीं, तो आप रास के अधिकारी नहीं है। यदि रास की संपूर्ण वाणी भी कंठस्थ कर लें, सारी रामतों को क्रियात्मक रूप से दर्शा दें, तो भी आप रास को सो दूर हैं। नकारात्मक चिंतन करने वाले ये मानते हैं कि रास काम शास्त्र है, काम की गंध नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। ये प्रेम का उमड़ता हुआ सागर जब आत्मा और परमात्मा के बीच में दृष्टिगोचर होता है, तो उसको कहते हैं रास, क्योंकि वो रस की रास है। प्रेम रस का सागर वह है, आनंद रस का सागर वह है, सौंदर्य का सागर वह है, एकत्व का सागर वह है। सभी सागर उसके हृदय में क्रीड़ा कर रहे हैं और वह अपनी अंग रूपा आत्माओं के हृदय में उसको उड़ेलने लगता है और उसकी अंग रूपा आत्माएं स्वयं को उसके तदोगत अनुभव करने लगती हैं, तो इसको कहते हैं रास। लेकिन एक बहिर्मुखी दृष्टि वाला व्यक्ति जब क्रीड़ाओं
को क्रियात्मक रूप में देखता है, रामतो को क्रियात्मक रूप में देखता है, तो सोचता है कि यह आलिंगन, ये स्पर्श, ये तो काम शास्त्र की बातें हैं, क्योंकि वो अपने पंचभौतिक जीवन में 19 संस्कारों से गुजरा होता है। प्रश्न यह है, विकार तो दो के मध्य होता है। जब आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो इस शरीर का द्वैत मिट जाता है। शरीर के द्वैत मिटे बिना कोई प्रेम के पवित्र सागर में प्रवेश कर ही नहीं सकता, और जब तक ये द्वैत भावना बनी रहती है तब तक व्यक्ति वह काम विकारों से ग्रसित रहता है। यह ध्यान रखिए, जहाँ वासना है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ वासना नहीं। जिसके हृदय में प्रेम का साम्राज्य है वो काम विकार से कभी ग्रसित नहीं हो सकता। रास किसने की? उस अक्षर अतीत के आवेश ने। किसकी आत्मा में? उस अक्षर ब्रह्म की आत्मा में विराजमान होकर, जिसके एक संकेत मात्र से अनंत ब्रह्मांड पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। काम विकार तो सामान्य प्राणियों के लिए है, और वो भी जो समाधि में लगते हैं, जो सच्चे हृदय से प्रीतम का ध्यान करते हैं। उन ऋषि मुनियों को भी काम विकार सता नहीं पाता। एक पौराणिक घटना है कि कामदेव ने शंकर जी को सताया तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर उसको जलाकर भस्म कर दिया। यह इसका वास्तविक आशय यह है कि ज्ञान चक्षु जब खोला तो काम विकार समाप्त हो गया। इसको न समझकर पौराणिकों ने यह मान लिया कि शंकर भगवान को भी काम विकार सता रहा था, और जब उन्होंने देखा कि काम मेरे बस में नहीं हो रहा है तो अपने तीसरा नेत्र खोलकर उसको चला दिया। तीसरा नेत्र तो हर प्राणी के अंदर में है, जिसको कहते हैं ज्ञान नेत्र, विवेक चक्षु, और यह विवेक पैदा होगा प्रीतम के ध्यान से, धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय और चिंतन से, तारतम्य वाणी के रस सागर में डूबने से। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें भी अधिकार होता है कि हम अपने विवेक चक्षुओं से देखें कि काम विकार पैदा कहाँ से हो रहा है। शंकराचार्य ने कहा है, कामस्य मूलः संकल्पः संकल्पात्येव जायते। यदि हम काम विकार का संकल्प ही नहीं करेंगे तो काम हमें सताएगा क्यों? यदि हम प्रीतम के प्रेम में इतने डूब जाएं कि हमें सब कुछ आत्मवत दिखने लगे, सर्वभूतेषु आत्मानं आत्मन च सर्वभूतानि यः पश्यति सः पंडितः। गीता तो कितनी ऊंची बात कहती है। जो परब्रह्म के जोश से कही हुई गीता हमको लज्जित कर रही है कि हम सुंदर साथ शरीर के पर्दों से ऊपर नहीं उठ पाए। आत्म सवनी एक दिशे जुजवी तदिशे दिए, शरीर भाव से ऊपर उठे बिना, अपने अंदर प्रीतम का प्रेम बसाए बिना हम रास के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। हमें तो लगेगा कि ये काम विकार है, और जहां काम विकार हो वहां अध्यात्म नहीं, वहां प्रेम नहीं, वहां रास की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि रास का संबंध है आत्मा और परमात्मा की प्रेममयी क्रीड़ा, प्रेम जो ये दर्शाता है कि केवल तुम हो। प्रियतम प्रियतमा से प्रेम करती है, प्रियतमा प्रीतम से प्रेम करती है, आत्मा परमात्मा का प्रेम ही तो रास है। अब वही प्रसंग चल रहा है कि सुख संकादिक ने नौ टली लक्ष्मी नारायण ने फरी वाली, जिस माया ने लक्ष्मी और नारायण को भी सम्मोहित कर दिया। विष्णु वैकुंठ लीधा माए सागर शिखर न मुख्या काए। वैकुंठ में जाकर इस माया ने विष्णु को भी हतप्रभ कर दिया। अब सोचिए, पौराणिक ग्रंथों में विष्णु भगवान की बहुत महिमा गाई गई है, उनको परमात्मा तक कहा गया, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। विष्णु भगवान तो अक्षर की एक वासना है। विष्णु भगवान स्वयं ध्यान में बैठकर उस सच्चिदानंद परब्रह्म की खोज करते रहते हैं। एक मान्यता पौराणिक है, क्षीर सागर में सोए रहते हैं शेषनाग की सैया पर, और लक्ष्मी उनके चरण दबाती रहती है। वास्तविक भाव क्या है? क्षीर सागर कोई सागर नहीं है। क्षीर कहते हैं दूध को,
वास्तव में जब सृष्टि पैदा हुई हिमालय पर, तो ब्रह्मा और विष्णु के साथ शंकर जी का भी उद्भव हुआ, अग्निवायु आदित्य और इंद्रादि ऋषियों के साथ। विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम में रहने लगे। मानसरोवर की झील आप देखिए, मानसरोवर वर्ष भर श्वेत जल से घिरा रहता है, जाड़े में वो बर्फ ही बर्फ, बर्फ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जल भी इतना श्वेत होता है कि उसमें एक छोटा सा कंकर भी हो तो दिख जाता है। इस मानसरोवर को ही क्षीर सागर की उपमा यदि हम दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विष्णु भगवान ने बद्रिकाश्रम को, जहां से मानसरोवर पास में ही पड़ता है, अपना स्थान बनाया। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की तपस्थली रही है, योग साधना का ध्यान का केंद्र रहा है हिमालय, मानसरोवर, कैलाश, बद्रिकाश्रम। इन्हीं को अलंकारिक भाषा में हम कह दें तो उचित रहेगा। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है, जब असुरों से सभी त्रस्त हो जाते हैं देवतागण, तो जाकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये असुर कौन है? तमोगुणी प्राणी जो मध्य एशिया की तरफ से आकर भारतवर्ष पर आक्रमण करते थे, वे असुर प्रवृत्ति के थे, उनमें वैदिक संस्कार नहीं था, तमोगुणी थे। वो इस आर्यावर्त की वैदिक संस्कृत का ध्वंस करना चाहते थे। परिणाम यह होता था, हिमालय में रहने वाले सभी ऋषि मुनि विष्णु भगवान से आग्रह करते थे कि आप हमारी रक्षा कीजिए। आपको विदित होगा कि देवासुर संग्राम जब हुआ था, दशरथ भी उसमें सहायता के लिए गए थे, और तो और भरत के पिता दुष्यंत भी देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। देवराज इंद्र एक पद है, ऐसा नहीं कि वशिष्ठ के प्रारंभ से चले आ रहे हैं। 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मन्वंतरों में 14 इंद्र की मान्यता है। इंद्र एक पद है, देव किसको कहते हैं? विद्वान सोही देवा, ये सत्यम आचरंत सत्यम वदंत ते देवा अनिता मनुष्य, जो सपने में भी झूठ न बोले, वेद का जाता हो, परमात्मा से प्रीति रखने वाला हो, उसको देवता कहते हैं। जो मनुष्य झूठ बोलता है, विषयों से ग्रस्त हो जाता है, उसको सामान्य मानव की संज्ञा दी जाती है। मानव ही देवत्व का रूप होता है, देवत्व से ऊपर उठकर ब्रह्म तत्व की तरफ गमन करना होता है। इसलिए विश्वामित्र आदि महर्षियों का सम्मान देवता भी किया करते थे। विश्वामित्र आदि महर्षियों में यह क्षमता थी कि वो किसी भी देवता को भी दंडित करने की शक्ति रख सकते थे। ऐसी स्थिति में मेरे कहने का आशय क्या है कि विष्णु भगवान जो स्वयं को माया से परे ले जाकर अध्यात्म के शिखर पर अब स्वयं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कभी न कभी माया में भूल हो सकती है। हाँ, पौराणिक ग्रंथों में विष्णु भगवान का निवास बैकुंठ माना गया है, जहाँ वे सुखपूर्वक रहते हैं। यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको यह भी दिख होगा कि बद्रिकाश्रम में विष्णु भगवान का तपोस्थल है, इसलिए आज भी विष्णु भगवान का वहाँ मंदिर बनाया है जो बद्रिकाश्रम कहलाता है। बद्रिक कहते हैं वेर को, और वहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ मैं स्वयं जा करके हो आया हूँ। वहीं पर विष्णु भगवान तप में लीन थे, शंकर जी कैलाश में लीन हो गए, और सब ने अपने अपने मार्ग से ध्यान साधना से उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म की खोज की। उस राह में स्वाभाविक है किसी से कुछ भी भूल हो सकती है। जो व्यक्ति सत्य को पाने का प्रयास करता है, कभी न कभी असफलता तो मिलती है, सफलता भी मिलती है, असफलता और सफलता से हर प्राणी होकर गुजरता है। प्रकृति अपने बंधनों में जीव को बांधने का प्रयास करती है। ज्ञान का प्रकाश पाकर परमात्मा की प्रेम भक्ति के सारे जीव प्रकृति के सभी बंधनों को तोड़ने के लिए जब उन्मुख होता है, तो जैसे पहाड़ पर चढ़ने पर कभी पैर फिसलता है
तो कभी शिखर पर भी पहुंचकर ही दम लिया जाता है। इसी तरह से यह हमारे लिए सिखापन है कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी माया से कई बार विचलित हो गए, क्योंकि सृष्टि में ये सबसे महान माने जाते हैं। ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, तप त्याग की दृष्टि से और संसार का कल्याण करने की जो भावना इनके अंदर है वह अन्य में उनकी अपेक्षा कम थी, इसलिए इनको महान देवता के रूप में माना गया। देवत्व या असुरत्व हर प्राणी के अंदर है। यदि हम अपनी आसुरी प्रवृत्ति, जिसको तमोगुणी प्रवृत्ति कहते हैं, का परित्याग कर दें, राजसिक प्रवृत्ति जिसको मानवीय प्रवृत्ति का त्याग कर दें, तो हम दैवी संपदा यानी सतोगुणी मार्ग अपनाकर दैवी संपदा के अधिकारी बन सकते हैं। किंतु यदि हम प्रेम की समाधि, प्रेममयी समाधि में डूब गए, तो हम त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं, जहां प्रीतम का साक्षात्कार हो जाता है और वह है रास क्रीड़ा। अक्षर की पंचवासनाओं में सुखदेव, सनकादिक, विष्णु भगवान और शंकर जी का नाम लेने का क्या कारण था? इसका यही आशय है कि यह माया इतनी शक्तिशाली है कि इन महान विभूतियों को भी हराने का प्रयास करती रही है। अब इस कलयुग के गहन तामसिक वातावरण में आज हम क्या करें? हमें तारतम्य ज्ञान का प्रकाश तो मिला है, किंतु यह कड़वा सच है कि हम इस ज्ञान के सहारे प्रीतम के प्रेम में डूबने की जो प्रवृत्ति है उससे हम काफी दूर जा चुके हैं। मैं कहते हुए झिझकता नहीं और जिसको कष्ट होता है मैं उसे क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन यह सत्य है कि चितवनी का वह अनमोल मार्ग जिसके द्वारा हम प्रीतम के हृदय में प्रवेश कर सकते थे, हम अपने धाम हृदय में उनकी अखंड शोभा को बसा सकते थे, उनके एक एक अंग में स्वयं को डुबाकर अपनी आत्मा का आनंद हम ले सकते थे, अपनी आत्मा को उनके परम धाम के एकत्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, संसार से स्वयं को दूर कर सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं किया। केवल कर्मकांडों के मार्ग पर चलकर आजकल तो प्रवृत्ति बन गई है, पांच चौपाई पढ़ लेना, पांच बार तारतम पढ़ लेना, चरणामृत प्रसाद ले लेना, यही सब कुछ बन गया है। यह तो बच्चों के लिए है, जिनकी उम्र 60 साल की हो गई है आज भी उसी प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। संसार कहां से कहां पहुंच गया। अक्षरातीत ने हमें यह रास ग्रंथ के पहले प्रकरण में इन विभूतियों का क्यों वर्णन किया कि सनकादिक और सुखदेव को माया ने ग्रसित कर लिया? यह दर्शाने के लिए कि हम यदि परम धाम की आत्मा हैं और सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा का ज्ञान पाकर के भी राज्य की शोभा को अपने हृदय में बसा नहीं पाए, तो माया तो हमें भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए तो कहा है, तण जुत की दा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी। किंतु एक सरल सत मार्ग बता दिया है, माया गई पुतानी घेर, हवे आत्म तो जा ज्ञानी घेर। यदि तारतम ज्ञान के प्रकाश में आत्मा जागृत हो जाती है, प्रीतम के प्रेम में अपने को डुबो देती है। अब देखिए, सुंदर साथ समान रूप से कहा करते हैं कि वाणी पढ़िए, वाणी के चिंतन कीजिए तो माया आपको नहीं लगेगी। किंतु यह एकांगी मार्ग है, केवल शब्द ज्ञान से माया हमसे परे हो जाए तो हर कोई सुंदर साथ कुछ न कुछ वाणी का पाठ करता ही है, फिर भी माया में क्यों फंसा रहता है? ज्ञान केवल सत्य को दर्शाता है, सत्य को प्राप्त नहीं कराता। ज्ञान और प्रेम एक ही तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े को आप हटा देंगे तो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। एक पंछी के दो पंख हैं, दोनों पंखों में से किसी एक को काट दीजिए तो कोई लाभ नहीं होगा। केवल प्रेम भी अधूरा होगा, केवल ज्ञान भी अधूरा होगा। ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्राण हैं। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ज्ञान नहीं। यदि हम वाणी का चिंतन करते हैं तो वाणी का चिंतन हमें सत्य की तरफ ले जा रहा है, हमारे हृदय को बता रहा है कि तुम्हें ये करना है। और यदि हम उस सत्य के दर्शाए हुए मार्ग का अवलंबन ही ना करें तो हम सत्य को कैसे पा सकते हैं? सत्य का मार्ग का अवलंबन क्या है? प्रीतम से प्रेम करना। रास ग्रंथ में प्रारंभ के चार प्रकरणों में माया की विशेषता बताई गई है और पांचवें प्रकरण में दर्शाया गया है कि किस तरह से बांसुरी बजने के पश्चात परम धाम की आत्माएं माया को छोड़कर, यहाँ तक कि अपने शरीरों को छोड़ देती है,
प्रीतम को पाने के लिए। 300 वर्ष से अधिक हो गए वाणी का अवतरण हुए। इसमें सुंदर सात अधिकतर कार्यक्रम में वाणी का पाठ करते हैं, पाठ तो हो रहे हैं, कभी 12,000 भी हो गए वाणी के पाठ। अब तो संसार वालों को देखा देखी, केवल तारतम महामंत्र का जप करने की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है करोड़ों बार। केवल जप करने से कुछ नहीं होगा, सब कट शक्कर कहने से हमारा मुख मीठा नहीं हो सकता जब तक कि हम शक्कर का रस स्वादा न करें। यदि वाणी के 12,000 से अतिरिक्त 16,000 भी पारायण कर दें तो भी आत्मा की जागृति होनी संभव नहीं है, क्योंकि वाणी में जिस ज्ञान का प्रकाश है उस ज्ञान के प्रकाश से तो हमने स्वयं को किनारे किया हुआ है। वाणी क्या कहती है? सागर श्रृंगार खिलौत परिक्रमा में अक्षरातीत के नक्शे सिख तक की शोभा का वर्णन है। राज से लेकर क्यामत नामा तक की वाणी में चितवनी के लिए निर्देश दिया गया है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक न पीछे फेरिए जो इस कंगुपचत, या क्या है वाणी का निर्देश है कि नजर दीजिए इत। यह हमें निर्देशित किया गया है कि हमें अपने दृष्टि को माया से परे ले जाना है। रास में तो प्रेम की लीला दर्शाई गई, ब्रज में प्रेम की एक झलक दिखाई गई थी। 52 दिन के विरह के पश्चात जब बांसुरी बजती है, सखियां अपना तन छोड़ छोड़कर बांसुरी की आवाज पर युग माया में प्रवेश कर जाती है। हम 300 वर्षों से वाणी की बांसुरी सुन रहे हैं। वह जो बांसुरी बजाई गई थी उसमें तो संगीत की ध्वनि थी और उसमें ऐसा लगा था कि सखियों के नाम ले लेकर पुकारा जा रहा है, किंतु इस वाणी की जो बांसुरी है इसमें तो राज जी बता रहे हैं कि परमधाम की आत्माओं देखो मेरा बुखार बिंद कैसा है, मेरे होठ कैसे हैं, मेरे गाल कैसे हैं, मेरे चरण कमल कैसे हैं, मेरे नखों के नखून कैसे हैं, श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, तुम्हारा श्रृंगार क्या है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार में यही बार बार दर्शाया जा रहा है तुम्हारे परमधाम के 25 पक्ष कैसे हैं। और इसके बाद भी हम उन शब्दों को केवल पढ़ते भरे। सागर श्रृंगार के अवतरण का क्या उद्देश्य है हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। परमधाम की आत्माओं ने जब बांसुरी की ध्वनि सुनी तो वीरा में अपना तन छोड़ दिया कि जो हमें पुकार रहा है उससे मिले बिना हमारा इस संसार में रहना व्यर्थ है। किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि सागर और श्रृंगार में 3,000 से अधिक चौपाइयां हैं। उन चौपाइयों में युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन है, हमारी परात्म के भी श्रृंगार का वर्णन है, किंतु हम उस प्रीतम के नख से सिख तक की शोभा को देखने में स्वयं को क्यों नहीं लगाते। बैठे मासूक जाहिर पर दिल न लगे, मासूक मुक्त देखन को हाय है नैना भी न तरसत। हमारी स्थिति यह है, हम प्रीतम की बातें सुनते हैं लेकिन प्रीतम को देखना नहीं चाहते। ब्रज से रास में चलते समय सखियों ने यह देखा, प्रीतम मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना है। सबने उल्टे श्रृंगार किए, आशय क्या है? यदि माया को छोड़कर हम प्रीतम की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके प्रेम को हृदय में बसा लेते हैं और संसार से पीठ मोड़ लेते हैं तो एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। अक्षरातीत के प्रेम में रमण करना ही रामदेह करना है। अक्षरातीत के प्रेम में स्वयं को डुबो देना ही रास करना है। उछलना कूदना केवल रास नहीं है, ये तो वृंदावन की रास मंडलियां भी कर सकती हैं, तो क्या उनको योग माया की रास का कुछ अनुभव है? क्रीड़ाओं को करना रास नहीं है अपितु अपनी आत्मा को प्रीतम के नख से सिख तक की शोभा में डुबो देना ही वास्तविक जागनी रास है, जिसमें हमारी आत्मा जागृत होकर स्वयं के स्वरूप को देखती है। ब्रज से रास में जब सखियां गई तो उन्होंने पहचाना कि मेरे प्रीतम है और इनके अतिरिक्त सब कुछ हमारे लिए त्याज्य है। रास ग्रंथ में वर्णन आता है और भागवत में भी ये प्रसंग आया है, पुराण संहिता में भी कहा गया है। जब सखियां युगमय में पहुंचती हैं, पुराण संहिता में तो बहुत सुंदर भाषा में वर्णित किया गया है, भागवत में भी, स्वागतम वो महाभागा
प्रभु किम करवाणी थे, महाभाग्यवती सखियों बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। पुराण संहिता में तो हास्य की भाषा में श्री कृष्ण कहते हैं, बालो हम ब्रह्मचारी न तो स्त्री काम का है, गोपियों मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्त्रियों का चाहने वाला कामुक व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम रात्रि के अंधेरे में मेरे पास आई हो। सब कुछ उतने वचन होते हैं, सखियां पुनः संसार में लौटने के लिए तैयार नहीं है। प्रश्न यह है कि हम सागर श्रृंगार की चौपाइयों को कंठस्थ करते हैं, गाते हैं, उस पर व्याख्यान भी देते हैं, किंतु माया फिर पीछे हमें क्यों लग जाती है हमारे पीछे? इसलिए कि जिसने वाणी को कहा उसी को हम अपने हृदय में बसा नहीं पाते। यदि हम युगल स्वरूप की छवि को पल पल हृदय में बसा लें तो शायद माया हमसे कोसों दूर रहेगी। याद रखिए, ब्रज में पूरी निद्रा थी, फिर भी गोपियों को कृष्ण से अटूट प्रेम था। वे उठते बैठते सोते जागते केवल कृष्ण का ही ध्यान किया करती थी। उस समय प्रेम था, लक्ष्य नहीं था। ब्रह्म सृष्टि होते ब्रजराज में प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अवल कुल्याय रूह अल्लाह, पर न था आखिर इलम पूरन। लक्ष्य तारतम वाणी ने दर्शा दिया और खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के अवतरित होने के बाद इन चारों ग्रंथों को तारतम का भी तारतम कहते हैं। तारतम का तारतम ये चारों ग्रंथ हैं और ये चारों ग्रंथ परम धाम की अखंड संपदा है हमारी। इसके बिना कोई भी अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर सकता। इन चारों ग्रंथ का एक ही लक्ष्य है, हम चितवनी में डूबे परम धाम के 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप के नक से सिख तक की शोभा को हम देखें, उस शोभा को अखंड रूप से हम हृदयंगम कर ले अपने हृदय में, तो निश्चित है कि हमारी जागनी रास का उत्तरदायित्व पूरा हो जाएगा। ऐसी अवस्था में संसार हमें पीड़ा नहीं दे सकता, संसार का मोह हमको नहीं लगेगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल शब्द ज्ञान को ईश्वर ऊपरी मानते हैं, तो हमारी जागृति एकांगी होती है। ज्ञान आपको अटूट विश्वास दिलाएगा, अटूट समर्पण करवाने के लिए प्रेरित करेगा, किंतु प्रेम और समर्पण के मार्ग पर तो हमें स्वयं चलना होगा। यदि हमारी आत्मा इस स्वर्णिम मार्ग पर चलने से मना कर देती है तो शायद हम प्रीतम का सुख कैसे ले पाएंगे। सुंदर साथ में यही भ्रांति की स्थिति है कि केवल चौपाइयों को पढ़ने मात्र को ही वो जागनी का साधन समझते हैं। चौपाई का पढ़ना श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ है चौपाई का चिंतन करना कि इस चौपाई में धामधनी ने हमारे लिए निर्देश क्या दिया है, और इसके साथ ही आवश्यक है उस निर्देश का पालन करना। यदि हम ज्ञान को आचरण में नहीं ला सकते तो ज्ञान तो केवल वाक विलास कहा जा सकता है। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं हो सकता है, या सत्य है बिना ज्ञान के हम किससे प्रेम करेंगे। लेकिन जब ज्ञान से ये बोध हो गया कि प्रीतम यह है, तो समर्पण के मार्ग पर तो प्रेम का मार्ग हमें स्वयं चुनना होगा। और इसलिए रास ग्रंथ के प्रारंभिक चार प्रकरणों में माया की विशेषता को दर्शाकर उससे पार कैसा होना है, विरह का प्रसंग दर्शाया गया है। कैसे बांसुरी की आवाज सुनते ही एक एक गोपी अपना तन छोड़ती है, प्रीतम से युग माया के ब्रह्मांड में जाकर मिलन करती है, उथले वचन की चोट को सहन करती है और दृढ़ निश्चय कर लेती है कि प्रीतम हमने आपको पाने के लिए घर द्वार छोड़ा है, शरीर छोड़ा है, अब हम पुनः संसार में वापस नहीं जाएंगे। आज इस जागने के ब्रह्मांड में भी हमें आत्ममंथन करना होगा कि जब हमें ब्रह्मवाणी मिली है तो चितवनी से एक दिन का भी समय हमारे लिए व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उठते बैठते सुपन सो जागृत दम न छोड़े मासूक को जाके असल हक निस्बत। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? निस्बत, मूल संबंध की पहचान कराना। हम कौन हैं, प्रीतम हमारा कौन है, कैसा है, कहाँ है, और उसको पाने के लिए हमें करना क्या है। जब इस शुद्ध को हमें प्राप्त कर लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो एक ही लक्ष्य रह जाता है, केवल उसके प्रेम में डूबना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस समाज में बेहद से भी परे परम धाम का ज्ञान दिया गया हो, वह समाज यदि चितवनी नहीं कर रहा है
तो कहीं ना कहीं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। आज सारा संसार ध्यान के द्वारा परम शांति की खोज में लगा हुआ है। और तो छोड़िए, अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में भी कार्यालयों के अंदर ध्यान के कक्ष बने हुए हैं। हमारे समाज में विकृति यह है कि बड़े बड़े शानदार मंदिर तो बन गए, जिनके कलशों पर सोना चढ़ा दिया गया, सोने का सब कुछ है, अच्छी तरह से सेवा पूजा भी हो रही है, लेकिन चितवनी का कहीं प्रचार नहीं हो रहा है। यदि आप चितवनी नहीं करेंगे तो सोने के कलश चढ़ाकर, सोने के सिंहासन बनाकर या हीरे मोतियों के आभूषण चढ़ाकर भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। हम संतुष्टि कर लेंगे कि हमने राज्य को चढ़ा दिया। राज्य को तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो प्रेम चाहिए, आपके हृदय का प्रेम, आपके हृदय का समर्पण। जब आप प्रीतम की छवि को बसाएंगे, एक एक अंग की शोभा को देखेंगे, मुस्कुराते हुए मुख को देखेंगे, नेत्रों की शोभा को देखेंगे, गले की शोभा को देखेंगे, हृदय कमल की शोभा को देखेंगे, तो भला माया आपका क्या कर पाएगी। इसलिए आवश्यकता है, समय की पुकार है कि आप ज्ञान के मंदिरों की स्थापना कीजिए, सबके हृदय में तारतम्य वाणी का प्रकाश कीजिए और सबको ये प्रेरित कीजिए कि सभी युगल स्वरूप की चितवनी में डूब जाएं। जब युगल स्वरूप की चितवनी होगी, परमधाम के 25 पक्षों में सुंदर सात अपनी आत्मिक दृष्टि से भ्रमण करेंगे तो सारे संसार के लिए भी एक सुनहला अवसर प्राप्त हो जाएगा कि वे भी माया से परे होकर सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों की सान्निध्यता प्राप्त करेंगे। और ऐसा करना ही मानव जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य होता है। इस मार्ग पर चलते समय संभव है हमारे पैर फिसल भी सकते हैं, कभी गिर भी सकते हैं, किंतु हमें विचलित नहीं होना चाहिए। सुखदेव जब जनक के पास ज्ञान लेने गए थे तो कमंडल के मुंह ने सता लिया। स्वाभाविक था, क्योंकि कमंडल यदि न हो तो नित्य क्रिया में उनकी बाधा पड़ती, उनको किसी ऐश्वर्य से मोह नहीं था। इसका आशय हमें ग्रहण करना चाहिए, हमारी ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, अवगुण काढ़े गुण करे, हारे से हुई जीत। जहाँ से भी अच्छी वस्तु मिले, किसी भी व्यक्ति से ज्ञान का प्रकाश मिलता है, कहीं से भी मिलता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। संकुचितता का घेरा हमें तोड़ना पड़ेगा। परंपरागत रूप से जो भी रूढ़िवादिता हमारे अंदर घर कर गई है, उसको तोड़कर तारतम्य वाणी के अखंड प्रकाश में यदि हम अपने को लाते नहीं हैं, अंतरात्मा से प्रीतम की पुकार को सुनकर अपने धाम हृदय में प्रीतम को बसाने की चेष्टा के सतपथ पर हम गतिशील नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ऐसी हानि कर रहे हैं जिसका मूल्यांकन कभी किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि करोड़ों करोड़ों मंत्रों का जप करने की प्रवृत्ति छोड़ी जाए। ये तो संसार करता है। आप बताइए, गोपियों ने कब माला पकड़ करके जप किया था, किसी मंत्र का जप किया था? कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, मथुरा से द्वारका भी चले जाते हैं, यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप सने। 100 वर्ष तक राधा सहित गोपियां विरह में तड़प तड़प अपना शरीर छोड़ देती हैं, फिर भी कभी माला नहीं पकड़ती। जिनके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं, उन गोपियों को माला पकड़ने की क्या आवश्यकता है? ये तो संसार के सामान्य प्राणी करते हैं। योग दर्शन में भी कहा है, तत् जपः तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से उसका जप किया। और जप भी मानसिक होना चाहिए, जिसमें जीभ न हिले, होठ न हिले, हृदय से आवाज होने चाहिए। यदि तारतम्य का जप बच्चों से करवाया जाए तो अच्छा, राज्य का नाम बच्चों से लिया जाए तो अच्छा। आप तो बड़े हो गए हैं, आप तो वाणी के विशेषज्ञ कहलाते हैं, आपकी उम्र भी 40 को पार कर गई है, आपके लिए ये कर्मकांड का मार्ग नहीं है, आपके लिए तो एक ही सीधा मार्ग है, प्राणेश्वर को हृदय में बसाना, जैसे गोपियों ने बसाया था। जो मासूक से जनाइया, देख्या सुनिया न कई बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, तय निर्फल गई जो रात। उनका इस सृष्टि में आना, उस खेल में आना व्यर्थ है, जिन्होंने अपने मासूक श्री राज जी को अपने हृदय कमल पर बसाया नहीं, उनको प्रत्यक्ष देखा नहीं और उनसे बातें नहीं की, तो ये मानव जीवन निरर्थक है। हमको सुंदर साथ कहलाने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
यदि परम धाम की आत्माएं ब्रज में निद्रा में होकर भी प्रीतम को पाने के लिए शरीर और संसार छोड़ सकती है, तो 300 वर्षों से वाणी की बांसुरी सुनते सुनते हम क्या कर रहे हैं? क्या उस बांसुरी के शब्दों के आनंद को ही सर्वोपरि मान ले? बांसुरी का मनोहर आकर्षण है, गोपियों ने उस आकर्षण का भी अनुभव किया, लेकिन उनके लिए वह इतना विरह पैदा कर गया कि उन्होंने शरीर को छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाई। तामसियों ने तो तुरंत छोड़ दिया, राजसियों ने श्रृंगार किया उल्टा पुल्टा, स्वांसियों ने मर्यादा की चिंता की, तो विरह में उन्हें भी अंतोगत्वा शरीर छोड़ना ही पड़ा। हमको मरने के लिए तो आज नहीं कहा जा रहा है, हमको तो कितना सरल सीधा मार्ग बता दिया गया कि परम धाम की आत्माओं, रास के इस प्रसंग से प्रेरणा लेकर तुम अपने घरों में बैठे बैठे प्रीतम की छवि को निहारो, रात को सोने से पहले जी भर कर निहार लो, सवेरे उठो किसी से बात करने से पहले स्वयं को डुबो दो चितवनी में, न शरीर हिले न मन भटके, आपके हृदय में केवल प्रीतम की छवि बस जाए, उसके बाद संसार के क्रिया कार्यों को कीजिए, आपका माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। गोपियां घरों में ही तो रहती थी, लेकिन वाणी में ये दर्शाया गया है, भागवत भी इसकी साक्षी देता है कि जब कृष्ण बछड़ों को लेकर के चराने जाते थे और जब तक वापस नहीं लौट जाते, गोपियां प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब कन्हा आएगा, जिसके हृदय में सागर श्रृंगार की चौपाइयों ने अपना स्थान बना लिया, जिनके हृदय में प्रीतम के दीदार की प्यास जग गई, उनको उठते बैठते सोते जागते केवल वही दिखता है, और यही हमारे जीवन का स्वरूप लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम इस मार्ग पर चलते समय कभी भटक भी सकते हैं, क्योंकि हमारे जीव के संस्कार प्रबल है पूर्व जन्मों के, जीव के ऊपर आत्मा इस खेल को देख रही है, जीव माया के खेल में लगा हुआ है, हो सकता है काम क्रोध मद लोभ अहंकार के थपेड़े हमें विचलित करने का प्रयास करें, लेकिन धैर्य रखिए, जिसके सिर पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत का वरद हस्त है, उसको काम क्रोध मद लोभ के विकार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका पैर फिसल जाए, लेकिन राज्य आपको गिरने नहीं देंगे, तब जब अपना सर्वस्व समर्पण आप राज्य पर किए रहेंगे। आप चितवनी से उठने के पश्चात अपने हृदय का प्रेम समर्पित कीजिए कि धाम धनी मुझे इन विषय विकारों से बचाइए, अहम निर्विकारो भक्तिमानस्य भवान्। पहली पुकार कीजिए, मम प्राणेश मम हृदय अगच्छ, मेरे सर्वस्व मेरे हृदय मंदिर में आ जाइए। सामवेद का पहला मंत्र जानते हैं क्या कहा है? कहता है, मैं कई बार इसको उद्धृत कर चुका हूँ, अग्ने यो आहविते हे पर ब्रह्म तुम मेरे हृदय मंदिर में आ। हम क्यों नहीं पुकारते? हम कहते हैं कि चारों वेद स्वप्न की बुद्धि के हैं और हमारी वाणी जागृत बुद्धि की है, तो स्वप्न की बुद्धि के वेद तो पहले पंक्ति में कहते हैं कि अग्नि यो आयुते ग्रणनो हव्यदाते नहीं होता सच वर्ष, प्रीतम परब्रह्म तुम मेरे हृदय में आ जा। आप क्यों नहीं पुकारते हैं कि सर्वशक्तिमान अक्षरातीत मेरे हृदय में आ जाओ? हम माला लेकर के बैठ जाते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं, कोई लेट लेट कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, चरणामृत प्रसाद ही सब कुछ हो गया, ये तो दुनिया करती है, ये तो शंकर जी हनुमान जी के मंदिरों में राम के मंदिरों में हुआ करता है। आप अक्षरातीत के प्रेमी हैं क्या हाथ में माला पकड़ने के लिए या परिक्रमा करने के लिए है? अक्षरातीत की शोभा में अपने को डुबोकर परम धाम के 25 पक्षों में घूमिए, यही तो परिक्रमा है, यह आंतरिक परिक्रमा है जिसमें आपके पैर नहीं थकेंगे, आप बैठ गए तो घंटों बैठे हैं। लेकिन हमने प्रेम का मार्ग छोड़ दिया, हमने संसार वालों का कर्मकांड देखा, सोटे सुपचार पूजन उनका देखा, हमने उसको आत्मसात कर लिया, हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमारी आत्मा प्रीतम की प्राणेश्वरी है, उनकी अर्धांगनी है, वो सर्वेश्वरी है, प्रियेश्वरी है। हमने एक स्वयं को दास बना डाला, गले में माला डाल लिया, केवल उसका नाम जपने लगे, ये तो संसार के दासों की भक्ति है,
परमधाम की आत्माओं की प्रेम लक्षण भक्ति नहीं है। उनकी प्रेम लक्षण भक्ति है प्राणेश्वर को अपने हृदय में इस तरह से बसा लेना, उठते बैठते सुपन सो जागृत दम न छोड़े मासू को जाकी असल हक निस्बत। मेरे शब्द कुछ कठोर जरूर लग रहे होंगे, किंतु अंतरात्मा से सोचें तो ये जीवन की सत्यता है और हमारे समाज की वास्तविकता। अपनी आत्मा की जागृति के लिए रास ग्रंथ से हमें प्रेरणा लेनी होगी कि अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के प्रयास में सुखदेव के भी पैर फिसले, संकादिक के भी पैर फिसले, ब्रह्मा विष्णु शिव के भी पैर फिसले, किंतु इन्होंने परम तत्व को प्राप्त करके ही दम लिया। इन्होंने अक्षर की वासना होने के कारण अक्षर ब्रह्म की लीला में अपने को डुबोने का प्रयास किया, योग माया के ब्रह्मांड में अपनी पहुंच बनाई, किंतु हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा का है। हम तो कहते हैं कि हद बेहद से परे हमारा मूल घर है, तो आप अपने मूल घर को पाने के लिए, उसको देखने के लिए चितवनी में स्वयं को क्यों नहीं डुबोते? यदि चितवनी के मार्ग पर चलते हुए आपका पैर फिसल जाता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, तो आप विचलित ना होइए। आप अपना समर्पण अक्षरातीत के प्रति कीजिए, सच्चे हृदय से कीजिए, प्रेम की आहों में उनसे पुकारिए कि प्रियतम हमारे और आपके बीच माया दखलंदाजी न करे, हम आपके हैं, वयम तौ तुम अस्माकम, तुम हमारे हम तुम्हारे, ये वेद के मंत्रों में सरलता से कहा गया है। हम भी तो अपना समर्पण करें, मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ, मेरी आत्मा केवल आपकी है, और हमारे प्रेम में यह संसार बाधक न बनने पाए, यह कृपा आप कीजिए। हम राज्य से धन संपदा न मांगे, कोई पद प्रतिष्ठा न मांगे, केवल उनका विशुद्ध प्रेम मांगे, और ये कहते रहें कि आपके प्रेम में यदि माया का कोई भी बंधन बाधक बनता है तो वो हमें स्वीकार नहीं है। आप अपने प्रेम में डुबाइए, हम आपके प्रेम में डूबने के लिए सब कुछ झोंक दें, यही जीवन की सार्थकता है और इसी में हमारा जीवन सफल हो सकता है यदि हम अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसा लेते हैं।